हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, वही जो पीछे पड़ा है, वही बोथ साइड लॉग लेके पावर सॉल्व करनी है ना। तो यहां भी ले लो आप फर्स्ट वाले में, लेट वाई इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री और पावर में एक्स माइनस फाइव। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। ओके, तो देखना आप यहां लॉग वाई लगा, यहाँ log 2x प्लस 3 की पावर x माइनस 5 पावर आगे आएगी, x माइनस 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो log y का क्या होगा, 1 अपॉन y और ये y डैश, यहां u इंटू v लगाना है आपको। तो u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2x प्लस 3, फिर अंदर वाली वैल्यू का करो तो 2 कॉन्स्टेंट x का 1। ठीक है, प्लस log 2x प्लस 3 एज इट इज और x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 और 5 का 0। अब देखो अगर मैं y को यहां भेज देता हूं तो मेरे पास यहां के बचेगा वैल्यू में 2x माइनस 5 और अपॉन में 2x प्लस 3, ये बचेगा, प्लस ये 1 है ये 0 तो कोई सेंस नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखना इस वैल्यू को हम वैसे और लिखें क्या इस वैल्यू की जगह, वैसे जरूरत तो नहीं है कुछ। वाह, यहीं लिख दो, एंड कर दो यहीं पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या करेंगे जाके यार, dy बाय dx हो गया आपके पास है ना, इक्वल्स टू इस वाई का मतलब है वही वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी, 2x प्लस 3 और इसकी पावर x माइनस 5 ब्रैकेट, ये वैल्यू एज इट इज, यहाँ पर एलसीएम वेलसीएम कुछ करने की जरूरत नहीं और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये 2x माइनस 5 अपॉन में 2x प्लस 3 और यहाँ प्लस रहेगा, इसकी वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। ये लो, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस वाई की जगह बस ये वाली वैल्यू पुट कर देना, बाकी सेम ही है ये। ये हो गया वन पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, सेकंड में y इक्वल्स टू log x की पावर log x है ना, क्या करेंगे वही बोथ साइड ना, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, log y इक्वल्स टू log फिर log x की पावर log x है ना, ये log x सबसे आगे जाएगा, फिर एक log है और उसका फंक्शन log x है ना, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का क्या होगा, 1 अपॉन y और ये y डैश, इधर देखो u इंटू v है, तो log x का क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले log x को रखा मैंने एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये log और x होता था ना वैसे, आप इस पूरी वैल्यू को x मानो तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन log x। अब फिर log x का डिफरेंशिएशन करो इस अंदर फंक्शन वाली वैल्यू को, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय x, फिर x का करो तो 1 हो जाएगा, समझ में आ गया कंसेप्ट, प्लस log log x, ये एज इट इज रखा, फिर इस बार इस log x का करना डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x और x का 1। ठीक है, अब देखो y डैश इक्वल्स टू, अगर मैंने y को यहां भेज दिया है तो वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, log x अपॉन x डॉट log x, ध्यान रखना log x अपॉन x डॉट log x, प्लस log log x अपॉन x, ज्यादा ज्यादा मैं x कॉमन ले सकता हूं इसके अंदर से ना, dy अपॉन dx की वैल्यू, y की वैल्यू एज इट इज वापस वही पुट कर दो, क्या है आपके पास y की वैल्यू, log x की पावर log x और वापस से ये वैल्यू, log x अपॉन x डॉट log x प्लस log log x अपॉन x, बताओ समझ में आया क्या, लाइन खींच देता हूं मैं एक यहां से, क्लियर है, ये हो गया आंसर, कुछ भी नहीं किया, ये जो y है ना इसकी जगह ये वैल्यू पुट करिए, बस वापस सेम पुट किया, कंप्लीट। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एक्सरसाइज 5.2।